आज अपन हॉवर्ड गार्डनर, जिसको कहा जाता है बहुप्रतिभा सिद्धांत, बहुप्रतिभा सिद्धांत किनने दिया था? हॉवर्ड गार्डनर, जिसके कहा जाता है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मतलब व्यक्ति में एक प्रकार की बुद्धिमत्ता नहीं होगी, उसमें अलग अलग प्रकार की क्या होती है, बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, जैसे भाषा एक बुद्धि होती है, भाषा का पता होना, स्थानिक बुद्धि, देहिक बुद्धि, अंतर्जनित बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व, अंत व्यक्तित्व, सांकेतिक, तार्कितिक, गणितीय, मतलब मैथ्स के बारे में कोई बच्चा अच्छा है तो उसे गणितीय बुद्धि उसकी अच्छी होगी, के बारे में हॉवर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। हॉवर्ड गार्डनर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति एक चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है, अलग अलग व्यक्ति उसके अंदर अलग अलग बुद्धियाँ पाई जाती हैं। इनको ही कहा जाता है कंसेप्ट को उन्होंने अधिक शुद्धता से परिभाषित किया है, और ये देखने की कोशिश की गई है कि बुद्धि को मापने के लिए पहले से मौजूद सिद्धांत की सीमा तक वैज्ञानिक हैं। अब गार्डनर के बहु प्रतिभा सिद्धांत के अनुसार परंपरागत रूप से परिभाषित बुद्धि की परिभाषा बहुत संकीर्ण, और यह मानव में विद्वान विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का समुचित प्रतिनिधित्व करती है, मतलब व्यक्ति में किस प्रकार की क्षमता मौजूद है। इसके अनुसार वह बच्चा जो आसानी से पहाड़ा याद कर लेता है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे बच्चे भी, अगर एक ने पहाड़ा याद कर लिया तो दूसरे बच्चे भी आसानी से पहाड़ा याद कर लेंगे, हो सकता है दूसरा बच्चा और दूसरी चीज़ में ज़्यादा कफ अच्छा हो, तो दूसरी तरह से बुद्धि से अधिक बुद्धिमान हो सकता है ना। ऐसे भी संभव है कि एक बच्चा गुणा देखता है जिसके कारण उसकी प्रगाढ़ गणितीय बुद्धि का किसी अंदाज ना मिल पा रहा हो, मतलब हो सकता है उसकी जो बुद्धि का अंदाज है वो अभी नहीं मिल पा रहा हो, सकता है बाद में जाके वो बहुत अधिक बुद्धिमान बन जाए। तो गार्डनर का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धिमाएँ प्रतिभाएँ होती हैं, किसी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक भी क्या होती हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं। अभी 7 प्रतिमाएं हैं, उनमें से उन्होंने बताया है कि जो पहली 2 है वो विशेषकर कहाँ होती है, स्कूल के अंदर यूज़ होती हैं। पहली 2 में आएगी एक वर्बल, जिसे लिंग्विस्टिक भी बोलते हैं, भाषा, मतलब बच्चा क्या करता है, भाषा के द्वारा सारी चीज़ें सीखता है। द कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस वॉट ऑन यूर माइंडेड एंड अंडरस्टैंड अदर, मतलब कैसे वो शब्दों का ज्ञान, कैसे मैथ्स, जैसे इंग्लिश एक सब्जेक्ट लेता है, हिंदी एक सब्जेक्ट लेता है, मैथ्स लेता है, तो सारी चीज़ों को, सब्जेक्ट को कैसे वो सीख पाएगा, तो उसे कहा जाता है वर्बल। फिर लॉजिकल, मतलब प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये सारी चीज़ों को वो कैसे एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो सेकंड होगा, पहला होगा वर्बल लिंग्विस्टिक, और सेकंड होगा लॉजिकल। लॉजिकल मतलब प्लस माइनस डिवाइड इनटू, जिसमें तार्किक चीज़ों का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जैसे ए को 1 बोला, बी को 2 बोला, ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 होते हैं, तो ये 2 चीज़ें स्कूल में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसके बाद उन्होंने बताया जो अगली 3 हैं, ठीक है, अगली 3 सामान्य कला से जोड़ती हैं। सामान्य कला मतलब जैसे किसी को म्यूज़िकल और रिदमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या म्यूज़िकल पसंद है, या म्यूज़िकल में या गाने संगीत में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो म्यूज़िकल हियर पैटर्न, म्यूज़िकल को समझेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और उसके अनुसार ही सारी चीज़ों को अप्लाई कर लेगा, तो वो काय में अच्छा होगा, म्यूज़िकल में काफ़ी अधिक अच्छा होगा। काइनेस्थेटिक मतलब किससे होता है, बॉडी से, कोई लोग व्यक्ति से बॉडी से क्या करते हैं, बहुत अधिक काम लेते हैं या वर्क परफॉर्म करते हैं, जैसे आप तो स्पोर्ट्समैन देखे होंगे, तो स्पोर्ट्समैन के अंदर कौन सी होगी, काइनेस्थेटिक बॉडी एबिलिटी होगी, जिसके कारण वो बहुत अच्छा खेल पाते और परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो म्यूज़िकल, फिर काइनेस्थेटिक है ना, फिर उसके बाद आगे आपकी नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक मतलब द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट अमंग लिविंग थिंग्स एज वेल एज सेंसिटिवली टू अदर फीचर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरलिस्टिक मतलब प्रकृति के बारे में समझना, प्रकृति ने हमें क्या क्या चीज़ें दी, प्रकृति में पेड़ पौधे आते हैं ये समझ जाएगा, हरा भरा पेड़ पौधा होता है, या फिर मौसम चेंज हो रहे हैं, है ना, ठंड का मौसम है तो ये अभी जैसे ठंड के मौसम में स्वेटर पहनी जाती है, या बारिश का मौसम है तो उसमें रेनकोट पहना जाता है, तो ये सारी नेचुरलिस्टिक चीज़ें वो भी वो क्या कर पाएगा, समझ पाएगा। फिर अगला है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब हैविंग अंडरस्टैंड ऑफ योर सेल्फ, हु आर यू एंड वॉट यू डू इट, मतलब अपन कौन है और अपन क्या क्या कर सकते हैं। इंटरपर्सनल मतलब अपने बारे में पूरा पता होना, अंतर व्यक्तित्व, ठीक है, इंट्रापर्सनल मतलब अंतर व्यक्तित्व, अपने बारे में सारी जानकारी पता होना। एक होता है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर, मतलब एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के समझ जाता है, दूसरे की भावना, दूसरे के विचार, या उससे अगर वो बात नहीं करना चाह रहा है सामने वाला, तो वो समझ, दूसरे को अगर समझ पाता है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरपर्सनल, मतलब दूसरे व्यक्तित्व के बारे में भी पता कर लेता है, उसको कहा जाता है इंटरपर्सनल। फिर अगला है आपका एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल मतलब अपन एग्जिस्ट क्यों हैं, है ना, अपनी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, लाइफ मतलब अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, डेथ क्या है, और अल्टीमेट रियलिटीज़ क्या है, मतलब वास्तविकता में जीवन क्या है और अपन ने जीवन को क्यों बनाया, ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए क्या होता है, एक्सिस्टेंशियल, एक्सिस्टेंशियल आपका
ये आपकी भी क्या होती है, एक इंटेलिजेंस होती है। तो सात प्रकार की बुद्धि आप समझ ही गए कौन कौन सी बुद्धि होती है। पहली होगी वर्बल और लिंग्विस्टिक, मतलब भाषाओं का ज्ञान होना। सेकंड लॉजिकल मैथमेटिक्स, ये बच्चों का स्कूल के अंदर बहुत अधिक इंपॉर्टेंस होता है इन दोनों का। फिर विजुअल, मतलब चीज़ों को देख के एहसास करना, समझ जाना, है ना, इंटरनली मतलब कोई भी चीज़ों के बारे में अंदर पता कर लेना। म्यूजिकल, कोई बच्चा म्यूजिकल में काफ़ी अच्छा होता है तो उसको म्यूजिकल रिदमिंग में काफ़ी अच्छा होगा, उसके अंदर वो एबिलिटी होगी। काइनेस्थेटिक, मतलब बॉडी के बारे में पता करना कि अपनी बॉडी, मतलब स्पोर्ट्समैन होते हैं तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, बॉडी वाली एबिलिटी होती है, इंटेलिजेंस होता है जिसके कारण वो कुछ चीज़ें परफॉर्म कर पाते हैं। फिर एक होती है नेचुरलिस्टिक, मतलब अपन को प्रकृति ने क्या क्या दे रखा है और अपन वो सारी चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इंटरपर्सनल, मतलब अपने बारे में पता होना, इंटरपर्सनल मतलब अपने बारे में पता होना, और इंटरपर्सनल मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर, जो व्यक्ति दूसरे को इजीली समझ पाता है उसको क्या कहा जाता है, इंटरपर्सनल। और एक होता है एक्सिस्टेंबल, मतलब अपनी लाइफ, डेथ और अल्टीमेट अपन लिविंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन को पता होना चाहिए। ये सारे जो सेवन प्रकार की इंटेलिजेंस थी, ये किन्होंने दी थी, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, मैं वापस आपको बता रहा हूँ, पहली जो दो थी वो कौन सी थी, वर्बल लिंग्विस्टिक और लॉजिकल। वर्बल मतलब भाषाओं का ज्ञान, लिंग्विस्ट और लॉजिकल मतलब प्लस माइनस डिवाइड इनटू। फिर उसके बाद म्यूजिकल, जिसमें म्यूजिकल को समझते हैं, काइनेस्थेटिक मतलब शरीर से जिसका यूज़ करा जाता है, नेचुरलिस्टिक मतलब प्रकृति के बारे में पता करना, इंटरपर्सनल मतलब खुद के बारे में, और इंटरपर्सनल मतलब दूसरे के बारे में, इंट्रापर्सनल मतलब खुद के बारे में, और एक्सटेंटेबल मतलब अपनी लाइफ, बर्थ और अपन ने आखिरी में क्यों करा है। ठीक है, आपको चैनल अच्छा लगे